नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह के जेएएम वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी के जेएएम की नई परिभाषा देते हुए कहा है कि जे मतलब झूठ, ए मतलब अहंकार और एम मतलब महंगाई, जिस पर बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलने को तैयार हैं। मंच से झूठे झूठे सपने जनता को दिखा रहे हैं। बता दें कि कल आजमगढ़ रैली में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जेएएम को लेकर हमला किया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुशीनगर में आज पत्रकारों से बातचीत में अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के जेएएम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। दरअसल शाह ने शनिवार को आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी जेएएम लाए हैं ताकि भ्रष्टाचार के बिना खरीदी हो सके। जे का मतलब है जनधन खाता, ए का मतलब आधार और एम का मतलब है हर हाथ में मोबाइल। उन्होंने कहा, मैंने गुजरात में ये बयान दिया तो सपा के नेता ने कहा कि हम भी जेएएम लाए हैं। सपा के जेएएम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम का मतलब मुख्तार। मोदी जी ने एक जेएम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जेम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जेम लाए है, जरा जांच करो। तो उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जेम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जैम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है? वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। जिस तरह से सरकार ने यूपी में किसानों के विरोध को कुचलने की कोशिश की, जिसका आरोप केंद्रीय मंत्री के बेटे पर है, क्या आप अपनी जीप से अन्नदाता को कुचल सकते हैं? उत्तर प्रदेश में ही जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को कुचलने का काम किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, उनके गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप और अब तो सुप्रीम कोर्ट जांचे, न जाने कितने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है जो अन्नदाता है उसको जीप के टायर से कुचल दें? किसान को टायर से कुचल दिया गया और उसके बाद कानून कुचल रहे थे। इन्हें अगर और मौका मिल गया तो हो सकता है इस संविधान को भी कुचल दें। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। जिन्ना का जिन बाहर आ गया है। जेएम की परिभाषा भी दोनों ही पार्टियां बता रही है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए जेएमडी खबर।